साथ ही मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दोबारा कितनी बार भी कहें उतनी बार कम है, क्योंकि माफी मांगना सबसे बड़ी इज्जत है। आज एक ही चीज है, दिल बहुत द्रवित है इस समाचारों को सुन के और जो आज हो रहा है, लेकिन आप जिस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में, क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म के धर्म गुरु के ऊपर अगर जरा सी भी किसी ने टिप्पणी की है तो गदर मच गया है, लेकिन आप बधाई के पात्र हैं। आज देना तो नहीं चाहिए बधाई, लेकिन बधाई के पात्र हैं कि इतना शांतिपूर्ण माहौल, इतने शांतिपूर्ण तरीके से आपने अपनी बात को रखने की क्षमता है। आप बहुत बहुत बड़े दिल वाले हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, क्यों कि इससे बड़ा कोई आपके लिए भगवान हो सकता है? नहीं, हो नहीं सकता। क्यों कि पूरे विश्व के अंदर जिस आदमी की आवाज सुनने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए लाइनें लगती हों उस इंसान के ऊपर, और वो भी तब जब ये घटना एक महीना पहले हुई, सब सोए हुए थे, मीडिया भी सोया हुआ था, लेकिन जैसे चाइना की तरफ से फंड्स आए, मैं सही मायनों में बात करूंगा, जब पैसा मिला तो मीडिया भी आंखें चौंधिया गई और पूज्य दलाई लामा जी के ऊपर इस तरह का लांछन लगाने की हिम्मत जुटा बैठा। अरे भूल गए वो 62 के दिनों को, आज हम जिस स्थिति में हैं, भूल गए उन क्षणों को जब हमने अपने संविधान में ये बात रख दी थी कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है। बड़ा शर्म आती है, बहुत दुख होता है कि आज 4000 वर्ग किलोमीटर बिना किसी बात के, बिना किसी लड़ाई के चाइना ने हिंदुस्तान के कब्जा कर दिया। क्यों? ये चीजें जो हैं, ये आगे चलकर और अग्नि का रूप ना का धारण कर लें, इसलिए मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे यहीं स्टॉप किया जाए, इसे बंद किया जाए, और जैसे अभी सब दीप्ति भाई और बहनों ने कहा है कि पूज्य दलाई लामा जी से माफी मांगे, वो धर्म गुरु हैं, दीप्तियों के नहीं, पूरे विश्व के लिए जो इंसान इंसानियत के बारे में सोचता हो, जो इंसान शांति के लिए सोचता हो, और पंच तत्व के तो आप जानते हैं, और ये तो हिंदुस्तान की वो पवित्र धरती है जहां से पूज्य हमारे धर्म गुरु प्रकट हुए हैं, और वो तिब्बत में गए, चाइना में गए, और पूरे विश्व में जिन्होंने माननीय गौतम बुद्ध जी ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया शांति का, और आज उसी चीज को लेके हर इंसान के लिए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, इनके लिए सब बराबर है। एक छोटी सी घटना के लिए इतना लंबा, इतना जद्दोजहद आज हमारे इन दीप्ति भाइयों और बहनों को, इन प्यारे बच्चों को जिस तरह से इन्होंने लिया है, बात की है, ये तो मैं शुक्र मनाता हूँ उस परमपिता परमात्मा का, और पूज्य दलाई लामा जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आपने बड़े शांति से इसे सहन किया है और आगे भी करेंगे। और साथ ही मीडिया से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोबारा कितनी बार भी कहें उतनी बार कम है, क्योंकि माफी मांगना सबसे बड़ी इज्जत है। माफी मांगना कोई गुनाह नहीं है। अब पूज्य दलाई लामा जी ने तो उसी समय कह दिया था कि अगर किसी को मेरी बात से या इन बातों से अगर कोई चुभन हुई है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, तो इसमें शर्म की बात नहीं है।
जब हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी माफी मांग सकते हैं तो हमारे मीडिया को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी चाइना जोर लगा ले, हमारे पूज्य दलाई लामा जी की उम्र और लंबी होगी और लंबी होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भारत जय तिब्बत।